नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल बेटर लाइफ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में 13 ऐसी अजीबोगरीब बातें जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, माइंड में स्टोरेज। क्या आप बता सकते हैं कि आपका दिमाग एक वक्त में कितने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? ऋतिक रोशन की क्रिश देखने के बाद शायद आप सोचेंगे कि हमारे दिमाग की स्टोरेज अनलिमिटेड है, पर अगर ये सच है तो आप अक्सर चीज़ें रखकर भूल क्यों जाते हैं, या लोगों से 50 बार मिलने के बाद भी उनके नाम क्यों भूल जाते हैं? तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग चाचा चौधरी के दिमाग की तरह कंप्यूटर नहीं बन सकता। आखिर हमारे दिमाग की क्षमता है कितनी? दरअसल हमारे दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इनमें से हर एक न्यूरॉन लगभग 10,000 न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं, जिससे हर एक सेल लगातार इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे दिमाग को भेजता है। यानी कि हमारा दिमाग भी चाचा चौधरी के दिमाग की तरह कंप्यूटर है। जी हाँ, हमारा दिमाग लगभग 1 ट्रिलियन बिट्स हर एक सेकेंड में प्रोसेस करता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट के अनुसार हमारा दिमाग 1000 टेराबाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकता है, यानी कि US की कांग्रेस लाइब्रेरी से भी 100 गुना ज़्यादा। पर इसमें एक ट्विस्ट है, इस पावर का ऑलमोस्ट 95% हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो अगली बार अगर आप कुछ रखकर भूल जाएं, तो खुद से कहिए इसमें मेरी नहीं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की गलती है। नंबर 2, माइंड की यूसेज। अब ये तो हमने जान लिया कि हमारे पास इतनी पावर है, पर क्या हमें सच में इतनी पावर चाहिए? आखिर हमें ब्रेन को कितना यूज करने की जरूरत है? आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% भाग ही यूज करते हैं, पर क्या ये सच में सही है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूज करते हैं, जिसमें हम लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, चाहे वो दुनिया भर की खबरें हों या फिर चाहे दूसरे ग्रह। हमारा दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग का हर एक हिस्सा हर सेकंड अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। हर एक सेकंड हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन लगभग 2 मिलियन डेटा एब्जॉर्ब करता है, पर असलियत में ये इससे भी लाखों गुना ज्यादा डेटा एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कि दिन भर में जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और हम उसे अपने अकॉर्डिंग यूज भी कर सकते हैं। नंबर 3, माइंड में अजीब बातें आना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं और कोई इंसान यूं ही आपके दिमाग में आ जाता है? ऐसे ही कई थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दिन भर आते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बिना किसी कारण के आते हैं। साइंटिस्ट ने इन विचारों को नाम दिया है इंट्रूसिव थॉट्स, यानी कि ऐसे थॉट्स जो हमारे दिमाग में दखल देते हैं। कुछ बहुत ही अजीब हो सकते हैं और कुछ बहुत ही भयानक, पर इन सबका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अलग हैं। दरअसल हर किसी का दिमाग बहुत ही अजीब जगहों पर घूमता रहता है, पर उन सबको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जब तक कि एक ही अजीब थॉट आपको लगातार ना आता रहे। अगर ऐसा है तो ध्यान रखिए, शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई इशारा कर रहा है। नंबर 4, सबकॉन्शियस माइंड हेट्स क्वेश्चंस। जी हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सवाल जवाब करना नहीं पसंद। आप इसमें जो भी बात डालेंगे वो आ जाएगी। वो ये नहीं सोचेगा कि ये सही है या गलत, उसे एनालाइज नहीं करेगा, वैसा का वैसा ही उसे अपना लेगा। थैंक गॉड हमारे पास कॉन्शियस माइंड है, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड के भरोसे पता नहीं हमारा क्या होता। एनीवेज, चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो है सबकॉन्शियस माइंड के हमारी बॉडी पर इफेक्ट्स। क्या आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड जब भी परेशान होता है तो ये हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है? आप में से कई होंगे जिनके स्ट्रेस के कारण पिंपल्स निकल आते होंगे या फिर जॉइंट्स में पेन होने लग जाता होगा। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी पर। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के लगभग सभी काम कंट्रोल करता है, और जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड परेशान होता है, बॉडी के फंक्शंस अपने ट्रैक से हिल जाते हैं।
तो अगर कभी आपका यूं ही पेट दर्द होने लग जाए तो हो सकता है इसका कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड हो, ना कि आपने कुछ उल्टा सीधा खाया हो वो। नेक्स्ट इज नंबर 6, काल्पनिक खतरा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को काल्पनिक और सच में फर्क करना नहीं आता। एक स्टडी के अनुसार जब दो लोगों को पियानो प्ले करने के लिए बोला गया, जिनमें से एक के पास रियल में पियानो था जबकि दूसरा सिर्फ पियानो प्ले करने की एक्टिंग कर रहा था, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि सबकॉन्शियस ने दोनों ही कंडीशंस में सेम रिएक्ट किया। दरअसल सबकॉन्शियस की सारी इंफॉर्मेशन को रियलाइज करने का काम कॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस को रियल और इमेजिनरी यानी कि सच और काल्पनिक में फर्क नहीं पता। इसी कारण कोई काल्पनिक डर भी हमें इतना प्रभावित कर सकता है। और अब नंबर 7, सबकॉन्शियस को आराम। बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा आपने कि बिना किसी कारण ही आप थके थके रहते हो, किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, पर आपने प्रॉपर रेस्ट भी लिया है फिर भी टायर्ड सा फील होता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण भी है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है। इसी कारण कभी कभी वो इतना थक जाता है कि उसे भी आराम की जरूरत होती है, और इसका एकमात्र उपाय है ब्रेक्स लेना। यस, हमें थोड़े थोड़े समय में ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स कर सके, क्योंकि हमारा ब्रेन 24/7 काम करने के लिए नहीं बना है, इसे भी ब्रेक्स की जरूरत होती है। तो बस बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से एक्टिवेट कर लीजिए। इजी है ना? अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जो है सबकॉन्शियस में लगातार रिपीटेशन। हमारा ब्रेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को रोज स्टोर करता है, पर उसको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं? यहाँ पर आता है रिपीटेशन, यानी कि लगातार कोई इन्फॉर्मेशन रोज हमारे ब्रेन को देना। लगातार रिपीट होती इन्फॉर्मेशन को ब्रेन समझ जाएगा कि जरूरी है और उसे याद रखेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं हो रही है उसे हमारा ब्रेन भूल जाएगा। इसीलिए स्कूल्स में रिवीजन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो कि जरूरी भी है। बार बार रिपीट होती इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देता है और उसे याद रखता है। इसका इस्तेमाल आप खुद से पॉजिटिव बातें करके भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक पॉजिटिव लाइफ जीने में मदद करेंगी। इसका उल्टा, अगर आप खुद से नेगेटिव बातें करेंगे तो वैसे ही फीलिंग्स आपके साथ रहेंगी। तो जितना हो अच्छा सोचें। अब चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड के नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नंबर 9, ड्रीम्स। यस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी आप सोते हैं तब आपके कॉन्शियस माइंड की तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड रेस्ट पर नहीं जाता, बल्कि वो ज्यादा काम करता है। और जो कुछ भी आपने दिन भर में देखा, सुना या फिर सोचा, उन सभी को प्रोसेस करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जो सोचते हैं हमें वैसे ही सपने भी आते हैं। तो अब चलते हैं नंबर 11 की तरफ, जो है सबकॉन्शियस इन किड्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्शियस माइंड भी डेवलप होता रहता है। यही कारण है कि बच्चे जिनका कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं होता, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के कारण सच और काल्पनिक मींस इमेजिनरी में फर्क नहीं कर पाते। इसी कारण बच्चे इतनी काल्पनिक बातें करते हैं, और यही कारण है कि वो इतने इनोसेंट होते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, और कुछ नहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। और अब 12th फैक्ट अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट में ही फोकस करता है, पर कभी कभी हमें अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में कॉन्शियस माइंड की मदद लीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेगा। और अब 13th यानी कि लास्ट फैक्ट, जो है स्पीच प्रॉब्लम। हमारे कॉन्शियस माइंड की तरह सबकॉन्शियस के पास वर्ड समझने की पावर नहीं है। वो अपने मैसेजेस कोई तस्वीर के रूप में या फिर फीलिंग्स की मदद से हम तक लाता है। आपने देखा होगा कि हमें अक्सर बिना सर पैर के सपने आते हैं। ऐसा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के कारण ही होता है।
तो ये थी 13 अनोखी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।